पेटीएम, जिसका इस्तेमाल रोजाना आप अपनी हर छोटी बड़ी लेन देन में करते हैं, क्या सही मायने में उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है? 2022 की खत्म हुई दूसरी तिमाही में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अपने रिजल्ट घोषित किए और ये रिजल्ट बाजार में पेटीएम पर पहले से दाव लगाए बैठे लोगों के लिए शायद उतने अच्छे ना रहे हों जिसकी उम्मीद की जा रही हो। चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालचाल चल रहे हैं पेटीएम के और बाजार पर पेटीएम के इस रिजल्ट का क्या असर रहा। शुरुआत पेटीएम के रिजल्ट से करते हैं। पेटीएम को दूसरी तिमाही में 571 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 473 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था, यानी लॉस बढ़ गया है। लेकिन फिर भी अगर हम आपसे कहें कि पेटीएम का नेट लॉस लगातार कम हो रहा है तो शायद ये बात आपको हजम ना हो, लेकिन सच यही है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी यानी पेटीएम को जून तिमाही यानी क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 644 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। क्वार्टर वन से तुलना की जाए तो दूसरे क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस कम होता दिख रहा है। अब नुकसान का जायजा हुआ है तो नजर कंपनी के पॉजिटिव हिस्से पर भी डालनी जरूरी है, यानी कंपनी की कमाई का आकलन भी कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कहां से हो रहा है। दूसरी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1914 करोड़ रुपए का रहा है। ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रोथ 76% बढ़ी है। वही कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 843 करोड़ रुपए का रहा है। ईयर टू ईयर बेसिस आधार पर यह ग्रोथ 224% बैठती है। इस दौरान पेटीएम ने 7313 करोड़ रुपए के लोन बांटे हैं। इसमें ईयर टू ईयर बेसिस ग्रोथ पर नजर डालें तो ये करीबन 482% रहती है। और आखिर में आपको मर्चेंट सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा भी बता दें, वो तकरीबन हो गया है 4.8 मिलियन, जो पहले 3.5 मिलियन था। यानी इस मामले में कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है। चलिए पेटीएम की इस ग्रोथ स्टोरी को ईयर टू ईयर बेसिस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया, दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से सितंबर में कंपनी के जो ऑपरेशंस रहे उससे कंसोलिडेट रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 76% बढ़कर 1914 करोड़ रुपए रहा है। इसे पिछले साल की तुलना में देखें तो वो 1086 करोड़ रुपए था। यानी इस मामले में पेटीएम में बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर टू में पिछली तिमाही यानी क्वार्टर वन से 14% ज्यादा है। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1680 करोड़ रुपए के करीब था, उस लिहाज से भी बढ़ोतरी ही दिख रही है। इसके अलावा दूसरी तिमाही में पेटीएम के रेवेन्यू में मर्चेंट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज, बढ़ते MTU यानी मंथली ट्रांजेक्शन यूजर्स के कारण बिल पेमेंट और प्लेटफॉर्म के जरिए दिए गए लोन में ग्रोथ के चलते बढ़त देखने को मिल रही है। यही वो कारण है जो दिखा रहे हैं कि कंपनी का घाटा घट रहा है, कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। जहां तक बात बाजार की है तो रिजल्ट के बाद सोमवार को पेटीएम का शेयर 1.65 रुपए यानी 0.25% बढ़कर 652 रुपए पर बंद हुआ था। यानी बाजार के सेंटीमेंट्स भी पेटीएम के लिए प्लस पॉइंट यानी पॉजिटिव दिखा रहे हैं लोगों के सेंटीमेंट्स को। अब आगे बाजार में पेटीएम की चाल कैसी रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।